राहुल गांधी का हरियाणा चुनाव को लेकर गजब का प्लान। दुश्मन से दोस्ती कर बीजेपी को पटकनी देने की तैयारी। टेंशन में आ गई बीजेपी। आखिर क्या है राहुल गांधी का हरियाणा चुनाव का प्लान बी? बीजेपी को करारा झटका। दरअसल हरियाणा चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। दुश्मन से दोस्ती कर बीजेपी को पटकनी की तैयारी। आपके साथ गठबंधन करेंगे राहुल गांधी। जी हां, हरियाणा विधानसभा चुनाव में लोकसभा वाला फार्मूला अपनाएंगे राहुल गांधी। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक हुई। इस बैठक में शामिल राहुल गांधी ने पुराने दुश्मन से गठबंधन की संभावनाओं पर हरियाणा कांग्रेस के नेताओं का मन टटोलने की कोशिश की है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने पूछा कि क्या हरियाणा में इंडिया गठबंधन के दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। राहुल गांधी ने कांग्रेस की बैठक में सवाल किया कि क्या हरियाणा चुनाव अकेले लड़ने से कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा? क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की कोई संभावना बन सकती है? सोचिए, अगर ऐसा होता है तो बीजेपी का हरियाणा में सुपड़ा ही साफ हो जाएगा। बीजेपी का ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा। वैसे भी राहुल गांधी आजकल छाए हुए हैं। खुद बीजेपी के कद्दावर नेता लोग उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ते नजर आ रहे हैं। कभी स्मृति ईरानी राहुल गांधी का गुणगान कर रही हैं, तो वहीं पीएम मोदी के हनुमान चिराग पासवान भी राहुल के मुरीद होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन हो जाता है तो शायद सच में बीजेपी यहां से साफ हो जाएगी। हरियाणा को लेकर राहुल गांधी शुरू से ही एक्टिव मोड में रहे हैं। किसानों का मुद्दा हो या फिर अग्निवीर का, राहुल मुखर होकर उनके लिए आवाज उठाते रहे हैं। ये वीडियो देखिए। मैं शुरुआत अग्निवीर योजना से करना चाहता हूं। हिंदुस्तान के बॉर्डर की रक्षा हरियाणा के युवा करते हैं, बाकी प्रदेशों के युवा करते हैं। दिल में, खून में, डीएनए में देशभक्ति है आपकी, और नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर में बदल दिया है। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा सीट मांग रही है। 3 से 4 सीटें दी जा सकती हैं, लेकिन उनकी ख्वाहिश बड़ी है, इसलिए गठबंधन कर पाना मुश्किल है। हालांकि राहुल गांधी ने फिर भी कहा है, इंडिया गठबंधन के वोट ना बटे, ऐसी कोशिश हम सबको मिलकर करनी चाहिए। आप लोग देखिए कि क्या संभव है। लेकिन अगर गठबंधन हो जाता है तो बीजेपी नेताओं का बीपी हाई हो जाएगा। टेंशन में आ जाएगी बीजेपी की मंडली। सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि हरियाणा चुनाव गया इस बार। वहीं इस बार बीजेपी के महाराष्ट्र, झारखंड और कश्मीर में भी आसार अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में इस बार 4 राज्य गंवा सकती है बीजेपी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी हरियाणा और महाराष्ट्र से बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं आई थी। यहां बीजेपी की सीट में भयंकर सेंधमारी हुई थी। हरियाणा में तो बीजेपी हाफ हो गई। तभी तो इस बार कांग्रेस ने हरियाणा में नारा दिया है, लोकसभा में हाफ, विधानसभा में साफ। वहीं कांग्रेस के लिए सोने पे सुहागा तब हो जाएगा जब हरियाणा चुनाव में पहलवान विनेश फोगाट मैदान में उतरेंगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की बैठक में चर्चा किए गए 49 नामों में से 34 नामों को मंजूरी भी मिल गई है। खबर है कि कांग्रेस के 28 सिटिंग विधायकों में से 22 के टिकट क्लियर हो गए हैं। वहीं 5 सिटिंग विधायकों के टिकट रिव्यू में डाले गए हैं, जबकि 6ठे विधायक वरुण मुलाना लोकसभा सांसद बन गए हैं। वहीं विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छुक बताई जा रही लोकसभा सांसद कुमारी शैलेजा और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला के बारे में कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे अंतिम फैसला करेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने हरियाणा, गुजरात, गोवा, दिल्ली और चंडीगढ़ में मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा था और इसका फायदा भी मिला था। अब देखने वाली बात यह है कि बीजेपी कांग्रेस के इस प्लान का क्या तोड़ निकालती है। क्या सच में बीजेपी अब साफ होने जा रही है हरियाणा से? हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें हैं, जिसके लिए 5 अक्टूबर को मतदान होगा और नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे।